एक मामला बहुत दिन से चल रहा है और ये मिट्टी किसानों का अपना हक है, वो अपनी बात कहने का, उनका एजुकेशन करने का, और सरकार वाकफ है, आप और हम भी देख रहे हैं, सब लोग ये चाह रहे हैं कि ये फैसला हो। बहुत लंबा हो गया, 3-4 महीने से हर काम रुके हुए हैं, बैठे हैं, और किसान भी परेशान है, फसल का टाइम है, होने नहीं आ चाहिए, दिल्ली में धरना देना पड़ रहा है। कुछ बातें उनकी जेन्युइन है, कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के भी करी जा रही है। मांग मांगने वाला हमेशा ज़्यादा मांगता है, देने वाले कम देते हैं। पर खासा वैसा तो एक माहौल बना था कि 4 बातों में 2 बातों पे सहमति हो गई थी, वो 2 बातों पे रहा। मैं समझता हूँ ये कुछ एडिशन बाद में हो गया, कुछ और हो गया, कुछ लोग और कह रहे हैं, कई लोग माहौल में ख़राब करने में हैं। मैं समझता हूँ उन्हीं 4 पे बातचीत होनी चाहिए। मैं किसान भाइयों से भी कहता हूँ, एक तो 40-50 जो जाते हैं, इतने लोगों से फैसले नहीं हुआ करते। हम आप सुनते हैं कि 5 आदमी हो, 7 आदमी हो, तो उनमें एक वो डेपुटेशन होता है, बातचीत का माहौल बनता है। सरकार भी निपटाना चाह रही है, मैं समझता हूँ अब फंसा हुआ इसमें है कि सरकार चाहती है कि ये जब आए तो फैसला करके जाए, और किसान भी चाहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। जो बैठे हैं उनमें बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा फैसला हो जाए, हमारा निपटना चाहिए। मेरा भी यही मानना है, मैं भी किसान हूँ, ये निपटना चाहिए। किसानों को जो मिल रहा है, जैसे उनको MSP की बात कह रही है सरकार कि हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि MSP पंजाब हरियाणा इस एरिया में जहाँ पहले चली है वो कंटिन्यू रहेगी। जो आया है ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसका मेन कारण तो ये है कि हमने कंट्रोल नहीं कर रहे। पिछली बार जब कोरोना आया था तो हर गली में बैरिकॉड लग गए थे, लोग जाने नहीं देते थे, गांव में भी लोगों ने एंट्री बंद कर दी थी, शहर में भी एकदम लॉकडाउन था, कहीं जैसे वार हो रही हो, सायरन बज रहा हो, इसलिए कैसे कोई बाहर ही नहीं, रिक्शा भी नहीं निकलती, साइकिल भी नहीं। अब लोगों ने अब के इतना सीरियसली नहीं ले रहे, लोग अपने आप ही, भीड़ चल रही है, सब्जी मंडी में यही हाल है, बाहर भी है। पहले तो बाहर एक टाइम के लिए कर्फ्यू खुलता था, आधे घंटे में सब्जियाँ ली चले गए, तब बहुत कंट्रोल रहा। अब ये जो आपस में हुआ है, इस करके स्ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से फैला है, तो इसका कारण हम ही लोगों की गलतियाँ हैं। और अब ये डॉक्टर्स वैक्सीन आ रही है, कुछ हमें इस बात से भी हौसला है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, तो सरकार इस पर बहुत है। कई स्टेटों में जहाँ ज़्यादा बड़ा लॉकडाउन लगा है, हमारे यहाँ भी रात का तो थोड़ा करा है कुछ रिस्ट्रिक्टेड करके, पर देखो ईश्वर के हाथ है, हमें कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। देखिए कुछ चीज़ें आदमी को अपने आप, पिछली बार जब हुआ लोग अपने आप जिस गली में कोरोना आ गया तो उस गली में जाते ही नहीं थे, लोग गली को बंद कर दिया, छोड़ दिया था दूसरे से। एक बार मैं किसी हॉस्पिटल में गया, आगे पता लगा कि कोरोना वाले डॉक्टरों की यूनिफॉर्म देखे तो गाड़ी घुमा दी गई, यहाँ नहीं जाएंगे, अगले हॉस्पिटल चलो। लोगों को अपने हिसाब से देखना चाहिए लोगों का, हालांकि विरोध यानी यूरोप में भी कर रहे हैं लोग, वहाँ भी विरोध हो रहा है, सब कंट्रीज में हो रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन से इकोनॉमी भी तो कोलैप्स हो रही है, और लोगों का भी ये ठीक है कि उन्हें अपना आजीविका कमानी है, लोग ज़्यादा लंबे समय नहीं कर सकते। पर अब थोड़े दिन इसे फिर भी हमें जितनी कोशिश हो हम इसे कंट्रोल में करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, और बाहर जाने आने का थोड़ा कम करें।